जो है परमेश्वर को ना तो आगे रखते और ना हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम लोग आज वो सब काम कर रहे हैं और ये सोच के करते हैं कि इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, लेकिन हम वो काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। और परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न होना है उसमें पहली जो बात हमने सीखी कि हम निरंतर परमेश्वर को याद रखें, और दूसरी जो बात है वो है कि केवल हम निरंतर परमेश्वर को आगे नहीं रखें वरन निरंतर उसकी स्तुति करें। मैंने एक किताब पढ़ी और उस किताब में एक व्यक्ति का जिक्र है जो आसमान में अर्थात स्वर्ग में ले लिया गया, और जब उसने परमेश्वर को देखा तो उसने ये देखा कि परमेश्वर की आँख में आंसू है। सो उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तुम्हारी आँख में ये आंसू क्यों है। परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, ये आंसू मेरी आंखों में इसलिए है कि पृथ्वी पे जो मेरे लोग हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो बंदे हैं, जो विश्वासी हैं, वे बड़ी क्लेश और दरिद्रता और परेशानी और विपत्ति में रहते हुए भी मेरी आराधना और मेरी स्तुति करते हैं। दाऊद हमेशा परमेश्वर को आगे रखता था, हमेशा निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता था। आज हम इस बात से ना खुश हों कि हम एक बड़े चर्च के मेंबर हैं, आज हम इस बात से खुश ना हों कि हम एक चर्च के मेंबर होने के साथ साथ उस चर्च की पास्टर कमेटी में भी हैं, हम वहाँ पे रेगुलर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जिसके घर जाते हैं, जिसके वचन पढ़ते हैं, जिसके गीत गाते हैं, आपने उसको कहाँ रखा है। प्रियो, आप परमेश्वर को आगे रखने वाले और परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की भक्ति और आराधना करें। यदि हम उस प्रकार परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हैं, निश्चय है कि वो परमेश्वर की भक्ति और आराधना हमने ये सोच लिया है कि हम परमेश्वर की भक्ति और आराधना करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत है, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वाद्य यंत्र की जरूरत है, लेकिन हम केवल परमेश्वर की स्तुति और भक्ति अपने होठों से करें, निरंतर करें। जिस तरह का उसका 70वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति मेरे मुख से करूँगा, और इसी तरह दाऊद कहता है